गुड़गांव ओआरसी से यज्ञ की अति सम्मानीय वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आशा दीदी हम सबके बीच पधारे हैं। सब करतल ध्वनि से आशा दीदी का स्वागत करेंगे। ओ शांति। तो हमारी ये प्रथा और आप देखो सर्वशक्तिमान बाबा सर्वशक्तिमान ऊपर से बैठ करके भी सारे काम कर सकता है, सब काम ऊपर से बैठ के कर सकता है लेकिन नहीं करता है। ऊपर से बैठ के हमारी बुद्धि को प्रेर दे कर सकता है ना, उसके अपने हाथ में है लेकिन नहीं करता है। क्यों? बाबा कहते बच्चे तुम्हारा रिसीविंग सेट ही ठीक नहीं है। रिसीविंग सेट ठीक है बाबा की प्रेरणा को कैच कर सकते हैं, अपने कंफ्यूजन में उधेड़ बुन में संकल्प कितने चलते हैं ना, कंप्लेन करते हैं ना कि बहुत संकल्प चलते हैं, व्यर्थ बहुत चलते हैं, मीनिंगलेस चलते हैं, साधारण। तो बाबा ने हमको कैसे पढ़ाया? अपने चरित्र दिखा करके पढ़ाया। हमारी जो पढ़ाई है वो ऊपर से बैठ करके नहीं होती है। हमारी पढ़ाई के लिए बाबा ने कहा कि तुमको मैंने देवता बनाना है और देवता बनाने के लिए मुझे कर्मों के द्वारा तुम्हारे अंदर श्रेष्ठ चरित्र लाने हैं। अब कर्म कहाँ होते हैं? ऑनलाइन पे कर्म होते हैं? नहीं होते हैं। तो कर्म कहाँ होते हैं? कर्म भूमि पर होते हैं। ऊपर से बाबा बता देता ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्म करो, नहीं कर सकता था। नहीं, कर्म भूमि पे आना पड़ता है। कर्म भूमि पर आकर कर्म करके सिखलाता है और फिर हम उन कर्मों को देखते हैं। जब हम देखते हैं तब हम सीखते हैं। तो मीठे बाबा ने एक तो विधि बनाई पढ़ाई की कि स्वयं आकर के पढ़ाता है। स्वयं उसने हमारे लिए कोई पैगंबर मैसेंजर नहीं भेजे। ब्रह्मा को भी कहा ये ब्रह्मा जो है ये मेरा केवल माध्यम है, ब्रह्मा भी तुम्हारा टीचर नहीं है, तुम्हारा टीचर मैं हूं। और हमारा टीचर हमारे लिए परम धाम छोड़ करके रोज आता है या कभी कभी आता है? रोज आता है, पक्की बात। रोज दिन मिस करता है? यदि एक दिन मैं मिस नहीं करता हूं, एक दिन मैं मिस नहीं करता हूं। और स्टूडेंट को फिर क्या करना होगा? स्टूडेंट को क्या करना होगा? पीछे वाले बोलो, स्टूडेंट को क्या करना होगा? हाँ, वो भी रोज पढ़ना पड़ेगा। टीचर के आगे स्टूडेंट बैठेगा ना।